लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाइयों बहनों, कला प्रेमियों, आप देखिए रामायण का वो भाग रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा हुआ है। भाषण देना बंद करो, लवकुश को लेकर आओ। बच्चा पार्टी रेडी? तुम दोनों यहाँ पे क्या भजन कर रहे हो? दरवाजा बंद करके जय खुद तैयार हो रहा है मामा। हाँ मामा। वशिष्ठ मुनि, सभा में बैठे मंत्री और जनता, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने हमारे कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मेरे लिए समस्त जनता की भलाई, उनका हित सबसे जरूरी है। मैं सदा अपने लोगों के लिए ही जीऊंगा। मैं ये प्रण लेता हूँ। ओए, श्री राम के डायलॉग तूने घोल के तो पी लिए, अब दरवाजा भी खोल दे भाई। मामा, ये दोनों लव और कुश का रोल कर रहे हैं और मैं कल रात से श्री राम का डायलॉग याद करने की वजह से एक मिनट भी नहीं सो पाया हूँ। मामा, डायलॉग सुना? हमारे कुल के वीर योद्धाओं, श्री राम आपके हर दुख को खुद बर्दाश्त करके अकेले ही सारा संकट हल करेंगे। बस बस, हंसना बंद करो। मैंने एक स्पेशल रोल सोचा है जिसका स्पेशल गेटअप भी होगा, तुम उसमें बिल्कुल फिट होगे। सच्ची मुझी मामा? हाँ सच्ची सच्ची भांजे। दोनों को मेरी उम्र लग जाए। भैया, आप इस सुंदर जीव को देख रहे हैं? हाँ, मुझे तो ये एक दिव्य अश्व लग रहा है, पर चाहे जो भी हो, इसने हमारे आश्रम में बिना अनुमति अंदर आने की भूल की है। भैया, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं श्री वाल्मीकि जी के पास आश्रम में। हे बालको, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि दिव्य घोड़ा है। ये वो घोड़ा है जिसे श्री राम ने वनवास में जाने से पहले महल को सौंपा था। सुनिए मुलाला पति, ये जिसका भी अश्व है अब हमें मिला है, अब ये हमारा अश्व हो गया। चाहे आप जितनी भी मिन्नत कर लो, हम ये नहीं लेंगे। इसके लिए युद्ध होगा श्री राम से। रामायण के लव कुश को तो हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने उन्हें हमारे सामने जिंदा कर दिया। तुम बड़े भाई हो ना, ये तुम दो। मेरे भाई ने मुझसे अच्छा किया सरपंच जी, आप ये इसे दे दीजिए। दोनों ने ही अच्छा किया, ये दोनों के लिए है। यज्ञ में बाधा मत डालो, यहाँ से चले जाओ। ए जय के बच्चे, अगर मुझे एक भी मच्छर ने काटा ना तो मैं तेरी चटनी बना दूंगा। लव कुश मेरे भांजो, कस के पकड़ के रखना, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। अबे ओ आलसी टट्टू, यहाँ कोई खाना वाना नहीं बना है, सरपंच के घर जाके देख खाना तैयार हुआ कि नहीं, चल जा। लव कुश आते ही होंगे, देखो खाना तैयार है कि नहीं, जल्दी।
और डीजल लाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मेरा प्यारा बच्चा आ गया, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बेटा। ये क्या तुम अकेले आए हो? बेटा तुम लव हो या कुश हो? ये जरूर लव होगा। नहीं नहीं ये कुश है। ये क्या फटे कपड़े पहने हैं? कविता इसके लिए अलमारी से नई शर्ट ले आओ। ये लो खाओ। ए, राम का डायलॉग सुना ना? नहीं नहीं लक्ष्मण का सुना ना। अरे रे रुक जाओ, पहले इसको ठीक से खाने तो दो। डायलॉग कम बोलेगा अटकेगा ज्यादा। शक्ल एक जैसी पर अक्ल दो कौड़ी की भी नहीं। मतलब लवकुश का तीसरा भाई भी है? ये दोनों असली हैं, ये एकदम नकली है। क्या रे जय, तुझे बताने बोला था खाना तैयार है कि नहीं और तू लड्डू कटक रहा है। वो क्या है मामा, मैं सच बताना चाहता था मामा। ऐसा क्या? हाँ पर किसी ने इसकी बातें सुनी मामा। अच्छा हाँ, झूठ बोलने का भी टैलेंट है। ए, भूख लगी थी तो खाना मुझसे मांग लेता, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। आओ बच्चों। ए, इस झूठे को नए कपड़ों की क्या जरूरत, चलो उतारो इसे। क्या हाल कर दिया बच्चे का, कहने को तो मामा है लेकिन कंस मामा से कम नहीं। हे भगवान ये तेरा कैसा न्याय है कि मासूम बच्चा और कितने अत्याचार सहेगा, कितना मारा है इसे। प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, रावण मेरे पंखों को चीरकर सीता मैया को ले गया, मैं उन्हें उस दुष्ट से बचा नहीं पाया, नहीं बचा पाया। सीते सीते। अच्छा माँ, रावण ने भगवान राम को इतनी तकलीफ क्यों दी थी? राम और लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसका अपमान किया था, जिसका बदला रावण लेना चाहता था। अपमान की आग बहुत भयानक होती है बेटा, जो एक बार चल उठे तो सबको राख कर देती है। यानी रावण बिल्कुल सही था। जय बहन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुझे वचन देता हूँ मैं तेरे बच्चों को मैं बहुत बड़ा कलाकार बनाऊंगा। जाने वाला है दो लार्ज मांगा, वो भी अभी के अभी। पैसा नहीं दोगे तो ऑन द रोड सो जाओगे। 10,000 कैश कर है, पर बिल तो 20,000 का है, दो बार गिन लेना। ए चुप्पे, अबे ओए, ये तो तेरी टिप है, कैश ले आज कर। वकील साहब आ जाओ। हेलो, आओ आओ बैठो ना। संजू ये इंडिया का वर्ल्ड फेमस इरिटेशन लॉयर है। इरिटेशन लॉयर का सलाम। इरिटेशन लॉयर नहीं, इमिग्रेशन लॉयर। एक ही बात है साहब। वही तो। कैश लाए हो ना? ये देना वकील बाबू, ये पैसा लो, अमेरिका में चक्कर चलाओ और मुझे वहाँ का आधार कार्ड दिला दो। वहाँ आधार कार्ड नहीं होता, ग्रीन कार्ड होता है। ग्रीटिंग कार्ड भी चलेगा। ट्रंप से जल्दी बात करो ना और मेरा वीजा कार्ड फटाफट कुछ जुगाड़ कर दो। आपके हाथ जोड़ता साहब। ट्रंप कोई तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट तो है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन तुम अमेरिका जाने के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ चोरी करते तो 3 करोड़ रुपए मिलते, अमेरिका में चोरी करेंगे तो 3 करोड़ डॉलर मिलेंगे और डॉलर का आज समझ गया, समझ गया। तुम बस इस पे साइन कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लाओ ना, करता हूँ। पेन दो। अमेरिका में आ रहे लाओ। भाई अंधेरे में कोई बैग साफ कर गया।
क्या हो गया भाई? क्या रे डबल रोटी, किधर जा रहा है तू? पेट में डॉल भी गुड़गुड़ हो रहा है, इसलिए घर जा रहा हूँ। अच्छा, पेट से नोटों की गड्डी निकाल, पेट साफ, दर्द गायब। क्या? हमें माल हड़पना आता है, वापस करना नहीं। मार दिया। मैं हाथ की सफाई के साथ साथ तुम जैसों की धुलाई भी करता हूँ। पैसा लेके भाग रहे हैं, पकड़ इसको। इसके पेट दर्द का इलाज करता हूँ। अरे ले ले भाई, मुझे माफ कर दे। अरे भाई दे दो, अरे दे रहा हूँ भाई। और निकाल। ए, आज तो तू गया। आज मध्यरात्रि, यानी 8 नवंबर 2016 वर्तमान में जारी एक कर देंगे 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की ए, चलो रे बाजू में आवाज दो। क्या रे, टीवी की आवाज बढ़ गई, तुम लोग की घट गई? ऐसा क्या दिखाया जो तुम वायलेंट से साइलेंट हो गए? साइलेंट ही होंगे ना भाई, आज से ये नोट बंद हो गए। क्या रोश, अब से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, गवर्नमेंट ने अभी अभी डिक्लेयर किया। लग रहा है इस नोट बंदी ने मेरी कर दी है। इन नोटों का क्या करें? तू दिमाग की नस मत हिला। ए, देख क्या जिंदा या टपक गया। भाई क्या हुआ रे? तू खुश हूँ मैं? तू जिंदा है भाई? क्यों बे, तुझे लगा मैं लुढ़क गया? ऐसी बात नहीं है, सालों बाद मिल रहे हैं, तुझे खुशी होनी चाहिए, नाराज क्यों हो रहा है? अरे तो और क्या करूँ मैं, जानता उस दिन ब्लास्ट के बाद क्या हुआ था? उस दिन धमाके के बाद मैं सीधा जाकर पुलिस स्टेशन पर गिरा। पुलिस स्टेशन के साथ साथ आसपास का घर और खेत सब जल के राख हो गया। क्योंकि इस सब की वजह मैं था, इसलिए वो लोगों ने मुझको बच्चे लोग का जेल यानी बाल सुधार गृह में डाल दिया। जैसे वो लोगों को पता चला कि मैं नाटक कंपनी में काम करता था, जेलर वहाँ का हवलदार रोज मुझसे डांस और ड्रामा करवाने लगा, पूरा टॉर्चर करके रख दिया था। ओए माँ, और ये नाटक सिर्फ महीना दो महीना नहीं, सालों तक ऐसा ही चलता रहा। हर किसी ने मेरा इस्तेमाल किया, एटीएम मशीन की तरह घिस डाला। इतना फ्रस्ट्रेट मत हो भाई। तो और क्या करूं, नाचो। मेरे को तो लगा था तेरा ऊपर का टिकट कट गया, लेकिन तूने एक बार भी ये जानने का ट्राई नहीं किया कि मैं जिंदा है या मर गया। गुस्सा मत हो भाई, एक बार मेरी भी तो कहानी सुन ले। उस दिन आग बुझाने वाले एक फायर ऑफिसर ने मुझे बेहोश पड़ा हुआ देखा और वो मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। उस हादसे से उबरने में मुझे 10 साल लग गए, मेरा अपना कोई नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने ही मेरी देखभाल की, उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं एक बैंक मैनेजर बन गया हूँ। वाह, तेरा लाइफ तो एकदम सेट हो गया है। तो मेरी गाड़ी के सामने आके मेरी क्यों वाट लगाई? टाइम मेरा भी खराब है। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया रे? मेरी इंसानियत, इंसानियत सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, जिंदगी में आजमाओ तो बुरा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।